हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं आप सब बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। ये सानवी है और नंदिनी, दोनों छोटी गुड़िया को लेकर चादर में झूला झूला रहे हैं लोग। वो भी मस्ती करी जा रही है, उसको मज़ा आ रहा है, खूब मतलब खुश हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, खूब हंस रही थी, खूब खुश हो गई थी। तो यहाँ पर आ रहा है, आप सबको हाय बोल रही है। तो चलते हैं अब किचन में। और अभी मैंने टमाटर का चटनी बनाने के लिए टमाटर निकाल कर रखा हुआ है और मीठा टमाटर का चटनी बनाएंगे हम। और अभी तो खाना कुछ बनाया नहीं है, रोटी भुंजिया बनाने वाले, इसीलिए टमाटर का चटनी बना रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, टमाटर मैंने निकाल दिया था और इसको कैसे सजा कर रखा हुआ है, मतलब छाट कर, जो झिल्ली में था उसमें से निकाल कर छाट कर निकाला था मैंने पका पका टमाटर। तो इसको बढ़िया से वॉश कर लेते हैं पहले। तो ये छोटा कटोरा पड़ रहा है, इसको बड़ा कटोरा में हम धोएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सब, धोकर मैंने बढ़िया से इसको वॉश कर लिया था और काट लिया है। और यहाँ पर गुड़ भी लिया है मैंने, 250 ग्राम से ऊपर है थोड़ा सा गुड़, 300 ग्राम के लगभग हमको लग रहा है। जानवी के पापा लाए थे। और यहाँ पर मैंने चटनी को छौंक लिया था, तो ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और जो गुड़ डाले हैं इसमें, तो वो मतलब पानी पानी टाइप का गुड़ छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं आलू छील कर रख ली हूँ भुंजिया बनाने के लिए। इसको अभी भुंजिया मैंने काटा नहीं है, अभी भुंजिया काटूँगी। तब तक यहाँ पर टमाटर का चटनी को छौंक दिया है मैंने, इधर ये भी हो जाएगा, तब तक भुंजिया काट लेंगे हम। ये टमाटर का मीठा चटनी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं यहाँ पर अभी दिखा रही थी आप सबको कि यहाँ पर फाइनल हो गया है, टमाटर का चटनी तैयार हो गया है बनकर। और इसके में मैंने मखाना, किशमिश और बादाम मिक्स किया था, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, सानवी की बुआ यहाँ पर जलाई हुई हैं आग, और सलोनी उनको परेशान कर जा रही है, वो आग जला रही है। और उसके में सलोनी लाकर प्लास्टिक और मतलब कुछ कागज उगज जिसमें डाले जा रही है कि मतलब आग जले बढ़िया से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप सब से अगले दिन। तो अभी मैं सुबह का सारा अपना काम कर लिया है मैंने, और यहाँ पर मैं दाल बैठा रही थी। तो यहाँ पर आलू छील कर रखा है मैंने, आलू और मटर का सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर आलू को छील लिया है बढ़िया से, इसको धो लेते हैं। तो ये देखिए आप सबको मैं आलू दिखा रही हूँ, जो बड़ा साइज़ का जो आलू था उसको मैं बीच से दो फारी लगा दिया है, कट कर दिया है बीच से, उसे उबलने में मतलब जल्दी से हो जाएगा। और मैं आलू को ना दाल में ही डाल कर उबालूँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल बैठा दिया है, ये अरहर का दाल बैठा है मैंने। तो ये इसमें जो झाग आ जाता है, इसको झाग को हटा देते हैं हम पहले। तो ये देखिए झाग मैं निकाल रही थी, और इसको निकाल कर इसमें आलू डालकर इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर ये मेरी ननद थी, इन्हीं से कुछ गप चढ़ा के लड़ाते हुए हम लोग का खाना बना था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मतलब रोड है, तो गाड़ी उड़ी चलते रहता है, तो यहाँ पर आवाज़ शोर हो रहा होगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो अभी दाल में मैंने हल्दी और नमक नहीं ऐड किया है, हल्दी नमक और थोड़ा सा सरसों ऑयल डालते हैं हम। सरसों ऑयल डालने से क्या होता है कि मतलब जो दाल ऊपर आता है सीटी तरफ से, जो फैल नहीं जाता है उसे फैलने से रोकता है ऑयल उसमें डालने से। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने सारा आलू इसमें डाल दिया है और कुकर का ढक्कन भी लगा लिया है, और लगे हैं। तो यहाँ पर जो भी मतलब रैक पर कुछ भी गिरता है, थोड़ा सा पानी उनी है, चाहे फिर जो फिर गंदा हो गया कोई भी चीज़, मतलब आलू का छिलका उलका हुआ फिर जो भी, तो उसको लगे हैं तो यहीं पे हम साफ़ कर लेते हैं। नहीं तो क्या है कि वाइट होने की वजह से, ये जो मैंने वॉलपेपर लगाया है तो वाइट कलर का है, तो मतलब गंदगी इस पर थोड़ा सा भी कुछ भी रहे तो मतलब दाग टाइप का दिखने लगता है, गंदा दिखने लगता है। इसको हमेशा साफ ही करते रहती हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने सब्जी का तैयारी कर रही थी मैं, तो यहाँ पर सूखी लाल मिर्च निकाली थी पीसने के लिए, इसका मसाला तैयार करने के लिए। ये सूखी लाल मिर्च है, और 2 प्याज लिया है मैंने, और 2 टमाटर लिया है। इसका मसाला पहले हम तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मेरी ननद बैठी हुई है अपनी छोटी वाली बेबी को लेकर। और ये देखिए सूखा लाल मिर्च और लहसुन दिखा रही थी मैं। तो यहाँ पर चलिए प्याज को पहले काट लेते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग का।
तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी में जो मिक्सर जार में मैंने मिर्ची लिया हुआ था और लहसुन, तो इसमें एक टमाटर भी मैंने काट दिया है और आधा प्याज काट दिया हुआ है और इसमें काली मिर्च और जीरा इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। तो उसको पहले ग्राइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी बैठा दिया था, इसमें सरसों ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर मैं पचफोरन ऐड कर रही हूँ और लाल मिर्च। ये पचफोरन में जैसे कि राई हो गया, जीरा, अजवाइन, मंगरायल, ये सब होता है, मेथी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई बिठा दिया था, प्याज भी ऐड कर दिया इसमें। और यहाँ पे जो मसाला ग्राइंड करके रखा है मैंने, उसी में ना ये हल्दी और धनिया, गरम मसाला, मतलब जो भी ये हमारे पास बेसिक मसाले हैं उसको डाल देंगे। और प्याज लाल होने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। और मटर आलू का सब्ज़ी तो मैं कितने बार रेसिपी शेयर कर दिया है मैंने, तो इसीलिए उतना बारीकी से नहीं दिखा पा रही हूँ, दूर से इसको वीडियो को लिया है मैंने। और यहाँ पर वो हो गया, पक गया, इसमें मसाला भी ऐड कर देंगे इसी समय। और जो मिक्सर जार में लगा रहता है उसको बढ़िया से निकाल के मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, इस छोड़ती नहीं हूँ कि मतलब उसको क्या वेस्ट करना है। और टमाटर एक जो था उसको भी काट लिया इसमें। यहाँ पर सारे मसाले को बढ़िया से हम भून लेंगे। और जो खड़ा टमाटर रहता है उसको मैं वहाँ से कट लगा देती हूँ, वो गल जाता है तुरंत ही, और नमक डालने से तो और जल्दी भी गल जाता है। और यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे दाल हमारा हो गया है, और दाल में जो मैंने आलू डाला था वो भी बढ़िया से उबल चुका है, उसको आलू को मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर मसाला को बढ़िया से मैं फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश मलाई था, अभी मैं घी नहीं निकाल रही हूँ, जो दूध से जो मलाई निकलता है उसमें से घी नहीं निकाल रही थी, इसीलिए जो मलाई बचता है तो मैं सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ या फिर कुछ कुछ काम में ले लेती हूँ उसको। यहाँ पर फ्रेश मलाई मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, इससे मतलब बहुत टेस्ट उभर कर आता है, अच्छा लगता है, आप सब ट्राई करिएगा इसे। और यहाँ पर जो आलू था इसको ऐड कर देंगे, खड़ा ही आलू मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि इसको मैंने मैं इसको इसी में फोड़ लूँगी। और ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया था, कस्तूरी मेथी थोड़ा सा डालेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाय बाय।